मैं डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक SCERT छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ और बच्चों आप सभी के सामने हूँ कुछ बातचीत करने, चर्चा करने, पाठों को समझने और समझाने के लिए। बच्चों आज कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपसे करेंगे, ठीक है? तो सुनिएगा, हम शुरुआत करते हैं कि बोए सोन जामय नहीं और मोती लुरै न डार रे, गए समय बहुरे नहीं और खोजे मिले न उधार रे। इस पंक्ति को आपने सुना होगा यादव लोगों के मुंह से, ठीक है? राउत नाचा के समय में जो दोहा बोलते हैं ना, वो दोहा पार्थे, ठीक है? तो लेकिन बाबू हो एक जो मैं बतावत हूँ ना तुमल्ला, ओमा का है एमे हाना के रूप में मैं बताऊँ तुमल्ला, ठीक है? कि जो सोन लब्बो देबे तब वो हा का है जमे नहीं, मतलब वो जामे नहीं जमीन से, और मोती है कभी कोन्हो डार में फरे नहीं, और जिस समय चल दे थे तो उन्हें बहुरा नहीं वापस आवे नहीं और खोजे मिले न उधार रे, और जब ते खोजबे तत्का देर मिले नहीं। तलिका हो एम देखबे चार अलग अलग लाइन दिखा थे, बोए सोन जामे नहीं, मोती है डार में फरे नहीं, और समय जो चल थे तो उन्हें वापस आए नहीं और उधार है कभी मिले नहीं। तो यदि एला दो लाइन संग्रह पर हो तो ये है राउत नाचा के दोहा के रूप में आ जाही, और यदि यही ला अलग अलग पढ़थू चार अलग अलग लाइन में तो ये है हाना के रूप में आ जाही, ठीक है? तो एकाए सब है हानाए, ठीक है? तो आज हमन पढ़बो आपके पाठ्य पुस्तक से, कौन से विषय हिंदी में, कक्षा छठवीं पाठ 20, और पाठ के नाम है हाना, ठीक है? तो हाना काला कई थे अब हमन देखथन, ठीक है? छत्तीसगढ़ लोक साहित्य के ढोली ढाबा आए, साहित्य दो प्रकार के होते, लिखे साहित्य और मुआखरा साहित्य। मुआखरा साहित्य ल लोक साहित्य कही थे, लोक कथा, लोकगीत, लोकगाथा, जनौला, हाना, ये जम्मो लोक साहित्य आए जिन्हा लोक कंठ में मुआखरा हवे। का कहना चाहते कि हमार जो लोक साहित्य है, लोक साहित्य मतलब इन लोगन मन के, लोगन मतलब हमन सबो, ठीक है? तो हमन जो हन हमर मन से जो साहित्य रचे गए है बने गए है तेनला हा हमार सियनहा मन हा या हमार साहित्यकार मन हा दो प्रकार से बोला प्रकार बता दे ने बना दे है। का एक ठन मुआखरा साहित्य, मुआखरा साहित्य मतलब का होते मुंह से तुरंत जो बोलते ना मौखिक रूप से तेला कथे मुआखरा साहित्य, अब एक ठन लगे थे लोक साहित्य जेला लोगन मन रच बस के पुस्तक में रखते तेला के थे, ठीक है? तो लोक कथा है, लोकगीत है, लोक गाथा है, जनौला है, हाना है, ये जम्मो के जम्मो हा लोक साहित्य कहा थे, ठीक है? बच्चों आप क्या समझिए यहाँ पर कि हमारा जो साहित्य है दो तरीके से होता है, एक मौखिक साहित्य और एक लिखित साहित्य, ठीक है? लिखित साहित्य में हमारे लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, जनौला, हाना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और मुआखरा साहित्य जिसको बोल रहे हैं वो मौखिक रूप से जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो अनुभव के माध्यम से या प्रकृति में जो चीज़ वो देखते थे आसपास परिवेश में उसको जब बोल देते थे किसी काम को देखते हुए, है ना, व्यवहार को देखते हुए, उसको हम कहते हैं यहाँ पर हाना, ठीक है? बात समझ में आ गई? हाना मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्गों के माध्यम से अनुभव से जो उन्होंने पाया और पाने के बाद तत्काल उन शब्दों का प्रयोग कर दिया उसको कहा जाता है हाना, ठीक है? एक और विशेषता हम देख लेते हैं, मतलब हम हाना को और किस तरह से जानते हैं। हाना ला हिंदी में लोकोक्ति कहते हैं, लोकोक्ति के मतलब है लोकधन उक्ति, माने लोकमानस द्वारा कोनो घटना ला लेके कहे गए बात, यही लोकोक्ति ला छत्तीसगढ़ी माँ हाना कही थे। हाना ला भांजरा घलो कही थे। का कहा थे कि हाना ला हिंदी में लोकोक्ति कहते, लोकोक्ति मतलब हिंदी में जब पढ़ते समय आप शब्द सुनते होंगे मुहावरा लोकोक्ति, तो लोकोक्ति क्या है, लोक धन उक्ति, दो शब्द इसमें मिला हुआ है, लोक यानी लोगों के द्वारा, उक्ति मतलब कहा जाना, तो लोगों ने जो बातें कह दी है किन लोगों ने, जनमानस से, यानी जे मन जनमानस मन जे बात ला बोल दे है, कैसे बोलिन, कोई घटना ला देख के, कोई बात ला देख के या कुछ ला भी अनुभव करके जो बोल दे गए हैं तेला कहे गए है लोकोक्ति। अब ये लोकोक्ति ला दूसरा शब्द में का कहते हैं, भांजरा भी कहते हैं, ठीक है?
अब ये कैसे ऐसो ही हमन देखथन कि पढ़े लिखे ले ज्यादा गांव के रहैया अपन मनखे मन के गोट बात मा खूबच प्रभाव होते। ओकर कारण आय हना लइका हो जैसे तुम देखत हो कि जे गांव के रहते ना तेन सियनहा मन हा जो बात करते ना उनकर बात बात में हाना हा रिथे, मतलब मन हा प्रयोग करते जाने ते पाए के उनकर शब्द में विकट भाव भरे रहते, सार हा भरे रहते। ठीक है, शहर वाले मन के बात में उतका असर नहीं होए जतका असर गांव वाले मन के बात में होते। इन्हें कोई भी चीज़ देखिए उदाहरण देखो थे ना तो टप लेखन हाना रूही में जोड़ देते जाने तो ये प्रभावकारी होते। कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्रामीण परिसर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी बात करते करते अपनी बात को पुख्ता करने के लिए कुछ ऐसे वाक्य वहाँ पर प्रयोग कर देते हैं जिससे उनकी बातों में बल पड़ता है और बल प्रभावकारी हो जाता है। तो क्या मतलब निकला, हाना का मतलब लोकोक्ति, आप इतना जानिएगा। ठीक है, अब हम देखें कि लोकोक्ति का महत्व क्या है, मतलब लोकोक्ति के काम महत्तम है लेकर हो एला में तुम्हें बतावत हो। तुम्हें अपन पाठ में एक एक ठन शब्द ल मिलाहू झन, ठीक है, वही सब्बो चीज में दे हूँ मैं पीपीटी में जिला तुम्हें देख के बाद में वो पाठ ल पूरा समझ सकता हो। एकर का महत्व है, हाना माँ लोक जीवन के अनुभव समाये रहे थे। पहली बात यह है कि हाना के महत्व का है लोक जीवन, यानी जो जो हमारा जो जीवन है, मतलब हमारे मन के जो जीवन है ना ते जीवन के अनुभव ओमा समाय रथे हमाय रथे, यानी उसमें सम्मिलित रहता है। ठीक है, जैसे एक ठन में हाना बतात हूँ कि मही मांगे ल जाए और ठेकवा लुकाए, मतलब एक झन माई लोगन हका करे कि रोज मही मांगे बर दूसरा घर जाएगा, अब जाए तो काला धर के जाए, ठेकवा ठेकवा काला कथे माटी के बर्तन ला, ठीक है, अतका बड़ा थे सकोरा का तेल धरे धरे बिचारी जाए, अब मांगे बार जावा थे तो कैसे कन्हो दिखा दिखा के जाही का, है ना, तो मांगे जाए तो बिचारी शर्मा शर्मा के जावा, बोल एक जन सियन हा रोज देखत रहा है, अब देखत रहा है तो वही लोग बोल दीस कि मही मांगे जाए और ठेकवा लुकाए। तो ये है हमार मन के अनुभव। ठीक है, हमार सियान है देखीस और देखे के बाद उसने बोल दी, तो अनुभव है, मतलब जीवन में जो दिख रहा है उसके अनुभव को समाहित इसमें किया जाता है। ठीक, दूसरा हाना है कि एमा ज्ञान के भंडार रिथे, मतलब एला जब ते पढ़बे ना तो तोल कतको ज्ञान मिली, कैसे ज्ञान मिली, अधजल गगरी छलकत जाए, का कहा थे, अब यहू देख अनुभव कि सियान मन देखिन हो ही कि जैसे महिला मन पानी भरे बढ़ जाते हैं, ठीक है, कुआं डहार नल डहार, नल तो अभी ऐसे कुआं पहले रही से पनघट रही से, तो जब पानी भरे बर जावे तो वो जब आवाए महिला मन है या आदमी मन है कांवड़ ला धर के जावा है पानी भर, ठीक है, तो कांवड़ जब बोते तो वो नीचे तक रहते हो करे है तो दोनों डहर करसी मारे रहती इस पानी के या हौला मारे रहा है तो ओमा जो पानी टिप भर रहतीस ना वो नहीं छलकाए, और जिन आधा आधा भर के लाने रहा है ना गरू है की के तेकर पानी है छलके, उसने सिर में बोही की मटकी ले गए औरत मन है तो जेकर मटकी आधा रहा है ना तेकर पानी छलके, और जेकर मटकी पूरा भरा रहा है ते नहीं छलके, तो उला देख के सियान मन कह दी कि अधजल गगरी छलकत जाए, जे गगरी में न जे मटकी में पानी आधा रहते तेन छलकते। समझ गए बच्चे क्या मैं बोल रही हूँ, कि इसका आशय क्या निकल रहे पता है, लेकिन इतना ही अर्थ इसका नहीं है, यहाँ पर अर्थ ये निकल रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब ये इंसानों के लिए भी है जिस इंसान के पास ज्ञान कम होता है, समझ रहे हो, यानी पूर्ण ज्ञानी वो नहीं होता है तो उनका अहंकार जो होता है ना वो छलकता रहता है, दिखावा करता रहता है, और जिसके पास ज्ञान पूर्ण होता है वो कभी दिखावा नहीं करता, यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं। तो आपने बात समझ ली होगी। तीसरा महत्तम ल देखथन का कथे, कोनो समस्या ल सुलझाए बर हाना हा बड़ काम आथे, यानी हाना में एक और गुण हावे, का गुण हावे कि जब कोई समस्या सुलझाए भी देते ना तो ओमा भी ये हमला सहयोग देते, कैसे सहयोग देते, का कहा थे, कोरे गाथे बेटी और निंदे कोड़े खेती, का मतलब हुई, जैसे कोई महतारी है अपन लड़का के यानी लड़की के बेटी खाते, मतलब लड़की अपन बेटी के मुड़ी ला कोर गांत के बने सुंदर तेल फूल लगा के चिकन चुंदर करके रखी तो टूरी बने सुंदर दिखी नहीं, मतलब नुनी है तो सुंदर दिखते, तो जैसे लड़की बड़ा सुंदर दिखते वैसने ही खेत जब वो थे तो किसान हाँ अपन खेत ला जब अच्छा नींद कोड़ के रखते साफ सुथरा करते तो खेत है घलो बनो सुंदर दिखते। ठीक, मतलब
फिर से यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ कि किसी को सुंदर साफ सुथरा सजा के रखने से उसका महत्व जो है बढ़ता है और उसकी ख्याति भी होती है और उसका आवक भी होता है। जैसे खेत को साफ सुथरा रखेंगे, निंदाई कुड़ाई करेंगे, तो जाहिर है कि पैदावार फसल जो है अच्छा होगा, लड़की सुंदर अच्छी दिखेगी भविष्य में, उसकी शादी ब्याह अच्छे घर में होंगे, ठीक है, तो उसका फायदा होता है। तो यहाँ पर हमको अपनी जो कुल मिला के जो हमारी समस्या होती रहती है कि हम क्या करें, तो हमको इस तरह से इससे ज्ञान जो है वो मिलता है। ठीक, और आगे देखन काय होते, हानाहा सिखावन आचार विचार नीति नियम के दर्पण घलो आए, यानी सिखावन यानी सिखाए काम आते हानाहा, फिर विचार कथे आचार विचार, आचार और विचार, आचार मतलब व्यवहार, आचार अचार नहीं हो भाई, अचार मतलब जो घर में हम डालते हैं ना आम नींबू, वो अचार है, ठीक, जो कई दिन बाद पक करके बनता है। और आचार का मतलब क्या होता है, आचरण हमारा व्यवहार, ठीक है, विचार मतलब मेरी सोच, ठीक है, नीति नियम के दर्पण, नीति और नियम यानी नियम जो होते हैं नियम कर दर्पण आए, मतलब मोर सोच विचारे के ढंग, मोर नियम ये सब के काय वो है ठन आईना है दर्पण आए, कैसे मुड़ के राहत ले माड़ी मा पागा नहीं बंधाए। ठीक है, कतका बड़बार बोले लिखा हो कि अगर मुड़ी मुड़ी पागा, पागा देखे हो काला कथे, हाँ पागा जो सिर में बांधते, कई प्रकार के होते, महाराष्ट्र के होते, गुजरात के होते, छत्तीसगढ़ के होते, सब जन के पागा होते, अलग अलग होते, और पागा कहाँ बांधते, मुड़ी में बांधते, मुड़ी के बजाय का माड़ी में बांधी, माड़ी में तो बंधा नहीं सके, वही कहा थे कि मुड़ के राहत ले माड़ी में पागा नहीं बांधे, पागा जो है प्रतिष्ठा है ना कुल मिला करके, तब बोला का सिर में बांधे जाथेगा, माड़ी में नहीं बांध सके। एकर मतलब का हो जाते कि जब तक के हमर कर सियान हा घर में बैठे है मुखिया हा, तब मुखिया के राहत ले घर के बागडोर ला लैकल नहीं देते जाए, जाने तब वही बात ला यहाँ बताते, क्या मतलब हुआ कि जब तक बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं तब तक घर का शासन जो है वो किसी छोटे के हाथ में नहीं आ सकता। दूसरी बात, पगड़ी एक प्रतिष्ठा का प्रतीक है और प्रतिष्ठित चीज जो है हमेशा सर पर होता है, पैर की तरफ नहीं जा सकता है, तो जो प्रतिष्ठित है उसको हमें प्रतिष्ठा दिलाना आवश्यक हो जाता है और प्रतिष्ठित बने रहना आवश्यक है, यानी हमें मान प्रतिष्ठा को भी समझना चाहिए कि हम क्या करेंगे या कौन से चीज़ का उपयोग करें जो हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली है। हम इस चीज़ को यहाँ पर इस लोकोक्ति या हाना के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, और देखन आगो, हाँ, बोलैया के भाखा और भाव में चमत्कार आ जाते, भाखा मतलब भाषा है, ठीक है, तो बोलैया के भाषा और भाव में चमत्कार आ जाते, कैसे चमत्कार आ जाते, मतलब कुछ अच्छा हो जाते, सुंदर हो जाते, जैसे खाए बर जरी और बताए बर बरी, कितना सुंदर भाव है। एक आय हो सो ही जाने कि कोई ला जैसे गांव में आदत रहते ना का साग खाई से पूछे के, तब साग बताते आगी बार डरे तिनी बारे, ऐसी टाइप के पूछे एक आदत रहती सब जन के, तब वो इसने पूछी सोई का साग खाए, तो वो हमेशा बताए बरी, लेकिन खाए वो है जरी, और जरी का है एक ठन पौधा है जिन्हें बाड़ी में अपने अपन भी जब कई बार जान जाते कई बार बोल लगते, ओमा वो एक भाजी भी रहते, ओम खेड़ा घलक थे बोला, और ओकर जो जड़ रहते ना वो जड़ वाला मिठर रहते, तब तो वो जरी काट काट के सब्जी बनाए जाते। ठीक है, अब वो है खाए के काम है, तो जरी एक सामान्य चीज़ है कहना चाहिए, सब कोई तो नहीं खावे खाए बरोला, और बरी कैसे होते, बरी लते दाल लेबे जिन आज के जीवन में 80 रुपया किलो हुआ थे, अब ते वो दाल लेबे भिगोबे बोल पीसबे बोल बनाबे बोल सुखोबे तब बोल चूरोबे, तो अतका मेहनत के चीज़ ला कोन्हों नहीं करल धरे। ठीक है, और जरी का है 8 आना, या चलो आज के जमाने में 5 रुपया में जरी आ जाही, 10 रुपया माही आधा ज्यादा ज्यादा, तो कहाँ 5 रुपया 10 रुपया, कहाँ 80 रुपया है ना, तो बरी खवई अतका आसान नो है, बरी सब्जी बनाए में घलो कोसने होते, तो ये ला कहा थे कि एक महत्वपूर्ण चीज है बरी और जरी आए सामान्य चीज। ठीक है, तो कोन्हों आदमी यहाँ का करे बताए बरी और खावे वो है जरी, तो इसमें यहाँ पर क्या मतलब भाव आ रहा है बच्चों कि कोई इंसान ऐसे भी होते हैं जो कहते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए उन लोग कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिसे हम झूठा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अपनी प्रतिष्ठा के चलते झूठ बोलने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। इन चीज़ों को भी हमारे बुजुर्गों ने देखा और उसके बाद उसे महसूस करके अपनी वाणी में डाला।
और का महत्व एक होई सुनैया घलो प्रभावित होते और जब सुनते ना तो सुनैया घला मजा आ जाते। कैसे मजा आ जाते? जांगर चले न जंगरोटा और खाए बर गहूँ के रोटा। जैसे घर में तीन चार जन रहते ठीक है, और एक जन है कस के काम करते वे एक जन है नहीं करेगा ठीक है, और जिन काम है नहीं करे ना ती ज़्यादा बोलते कथे ना जेकर जांगर नहीं चले तेकर मुँह बाजते ज़्यादा इसी की थे। तो जांगर ले चला ही ना तेकर मुँह बाजी ते पोसाही काबर कामोल करते तो दूठन बोल ही घल, लेकिन जे नहीं करे ते काबर बोलही। लेकिन एकर काय होते उल्टा कि जांगर चले जंग रोटा, मतलब ना ओकर जांगर चले ना ओकर कर ताकत है और ना ओकर कर दिमाग है, लेकिन वो खाऊं कथे गेहूं के रोटा यानी गेहूं के रोटी ठीक है, गेहूं की रोटी खाऊंगा ऐसा बोलते हैं। तो जब चार जन आदमी हैं अब एक जन ला जब इतने बोले जाते सियान के द्वारा तो सुनैया बड़ मजा आ जाते कहना चाहिए है ना, अच्छा डांट पड़ी सरे ऐसे टाइप के। तो ये टाइप के एकर महत्तम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति यानी इस हाना का मतलब हिंदी में आपको मैं बताऊं कि इसका क्या आशय निकल रहा है कि जो व्यक्ति काम कर सकता है यानी जो नहीं करता है वही जो है ज़्यादा बात करता है और वो हमेशा अच्छी चीज़ों को खाने पीने की बात करता है, अपनी सुविधा चाहता है, प्रभाव चाहता है, इस प्रकार करता है, लेकिन वो काम नहीं करता है। तो हाना में ये बात है कि जांगर चले ना जंगरोटा ठीक। अब हम देखें कि इसकी विशेषताएं क्या है। महत्व आपने देखा, अब हाना की विशेषता क्या है। छत्तीसगढ़ी हाना के गजब अकन विशेषता है, जैसे नान्हेपन यानी ये जो हाना होते ना एकदम नान नान होते, छोटे छोटे कौन होते, लेकिन अर्थ बहुते गंभीर होते। लेकिन हो जाने हो समझे, नान्हेपन समझ गए ना, जैसे तुमन नान नान होना उहिल की थे नान्हेपन, तो नान कुन दिखते। जैसे तो मैं उदाहरण में दे दे हूँ, धीर म खीर, तीन ठन शब्द है धीर म खीर का मतलब निकलते। धीर मतलब धैर्य, म मतलब मे, खीर मतलब तस्मई कथो का तुमन हाँ ठीक। तो जेन हा धैर्य धरते ना तिही है खीर खाते ठीक है। क्या आशा निकल रहा है यहाँ पर कि हम यदि अपने जीवन में किसी भी काम को लेकर के या कुछ भी ऐसा हो रहा है और बड़े धैर्य के साथ यदि हम काम को करते हैं तो उसका प्रतिफल जो होता है ना वो बिल्कुल सही आता है, मतलब मिठास होती है उसमें। जैसे हड़बड़ हड़बड़ करबे ना लकड़ धकर काम करबे सब वो बिगड़ जाते ठीक है, हड़बड़ के काम नहीं हो सके। तो एमा कहना ये चाहते कि आदमी ला थीर थार हो कमाए लागते सियान मन कथे। तो थीर थार में जब काम करबे यानी धीर धरबे कि जो भी वही परिणाम आई, गीतम घलो कहे गए ना कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भू माते संगत्व कर्मणी, यानी तुम केवल कर्म करो और अधिकार जो है तुम्हारा केवल कर्म में है, फल में नहीं है, फल तो आएगा ही आएगा जो काम करोगे। वही चीज लेकर कहा थे कि काम ला कर दो और काम ला करे एक बात तुमन चुप हो जाओ तो तुमला काम करे से जो काम करे हो कर्म करे हो तो तुमला ओकर काय मिली खीर मिली, मतलब ओकर मिठास मिली। तो धैर्य रखने से जीवन में हमको जो प्रतिफल मिलेगा वो मधुरता युक्त मिलेगा। लय तुक के मिलान एकरो का विशेषता है कि लय और तुक के मिलान होते। लय तुक का होते जैसे मन गाना गाथन ना तो दूठन बोली आपस में मिलते ठीक है। एमा दिखत एक ठन साँच ला आँच, साँच आँच ये है तुक, च पाद में है, च उकरो महावे ठीक है। तो च च की आवृत्ति होगी ना आखिरी आखिरी, मगर साँच ला के नीचे में लिख दो का आँच, तो ये हो गए लय तुक के मिलान ठीक है। और अर्थ कर का निकल थे जानत हो कि जे आदमी सच्चा रथे ओल कभी आँच नहीं आवे ठीक। लेकिन का वाकई में इसने होते बाबू हो नहीं होए, जिन आदमी सच्चा रथे ना ओला बहुते तकलीफ मिलते अपन चले बार। जैसे कथे ना नदिए नदी के धारा जति बहत है ते में ते कूदेस त धारे धार तोल जाना है तो ते आसानी से पार होबेगा, और ते है नदी के धारा के उल्टा दिशा से चढ़ूँ कि वे नदी में तो जा सकबे ते धारा ला थामे सकबे नहीं सकस। तब वैसने होते आज के जीवन में सच्चा मनुष्य ला कि जे सही होते कहना चाहिए ते बहुत समस्या ला न जूझेल लगते समस्या से, लेकिन ये सही है कहना चाहिए कि आखिरी में ओला आँच नहीं आवाए। आँच नहीं आए मतलब वो तपन महसूस नहीं हुआ, मतलब ओला कोई नुकसान नहीं हुआ जाने का पर आदमी सच्चा रही से भले तकलीफ ल पाईस लेकिन अपन सच्चाई के दामन ल वह नहीं छोड़ीस ते पाए के उकर नुकसान कभी नहीं हो लेका हो
क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में सच्चाई का दामन पकड़ करके चलता है, जो आदमी जीवन भर सच्चा रहता है, उसको जीवन में कभी समस्या नहीं आती है। यानी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, लेकिन उसका प्रतिफल गलत उसे कभी नहीं मिल सकता है। सरलता और सहजता, एकर एक और विशेषता होते हाना के कि बड़ा सरल रथे और बड़ सहज रथे, कि मतलब कुछ भी फटाक ले बोल देते हैं, अब एकदम सहज भी होते काबर हो जाते कि बोले में ज़्यादा टाइम नहीं लगे और सुनैल घलो का बुरा नहीं लगे। जैसे कहा थे कि मन में आन और मुँह में आन, यानी मन में अलग चलत है या मुंह में कुछ और चलत है। जैसे दो जन के चार जन बैठे हैं, है ना, और कुछ में कहना चाहत हो लेकिन बोलत नहीं हो, बोलत कुछ अंते तनते हो, तो यही ले सियान मन कथे कि एकर मन में कुछ और चलत है और मुँह में कुछ और आते, तब मन में आन और मुँह में आन। एकदम सहज वाली बात है जो कोई भी आदमी पकड़ लेते कहना चाहिए, तो सरलता और सहजता भी ये हाना के विशेषता होते। अब एक ठन का होते मनोरंजन आते, मनोरंजन कैसे रहते, कलेवा मा लाड़ू और नता मा साड़ू, ठीक है, कैसे हुई कलेवा में लाड़ू, कलेवा मतलब व्यंजन, खाने पीने की चीजें सामग्री। तो जिस प्रकार से व्यंजन में लाड़ू यानी लड्डू महत्वपूर्ण होता है, जब बहुत सारा होता है ना, क्या क्या जानते हो, पता है कुछ ऐसा व्यंजन में? हाँ, ठेठरी कड़ा होते, खुरमी कड़ा होते, देहरौरी कड़ा होते, अरसा नाजुक दोनों मिला के होते, ठीक है, कई ठन होते व्यंजन में तो, ठीक है। लेकिन ये सबो व्यंजन ला अगर सामने रखा था तो जो लाड़ू होते ना ते बड़ा मजेदार होते, दिखे में भी बड़ा सुंदर होते और खाए में बड़े नरम नरम होते, मस्त सुंदर फोड़ो और खावा। तो जिसे कलेवा में लाड़ू होते यानी व्यंजन में लड्डू की प्राथमिकता है। दूसरी बात क्या हो जाती है कि लड्डू हमेशा भोग में भी चढ़ता है ना, आपने देखे ना गणपति जी को भोग लगाया जाता है लड्डू, तो कलेवा में लड्डू की अहमियत है, समझ रहे हैं, कलेवा में यानी व्यंजन में लड्डू की अहमियत है। वैसी जीवन में साढ़ू, साढ़ू की अहमियत है। साढ़ू किसको बोलते हैं आपको पता है? आप लोग नहीं समझते होंगे लेकिन जानते जरूर होंगे। जैसे आपके घर में मम्मी है, मम्मी की छोटी बहन को क्या बोल देंगे? मासी बोलेंगे, मासी, माँ के समान, जिला हमन का कथन मौसी। तो मौसी के जो पतिदेव है तेल का कबे मौसिया, तो तोर मौसिया होगे। लेकिन तोर पिताजी का कही बोला, तोर मांग बहनी तोर पिताजी का कही साली, ठीक है। तो वो साली के जो पतिदेव है तेला तोर पिताजी का कही साढ़ू। तो चूंकि माँ बर बहनी बहुत करीब है, एक दूसरा में बहुत प्यार है, तो जाहिर से बात है दोनों के पतिदेव मन में भी आपस में प्यार रही। तो ये ऐसे रिश्ता कहना चाहिए कि दोनों साढ़ू, दोनों घर द्वार घर अलग अलग है ना, दोनों का आचार विचार चाहे जो भी रही लेकिन घर द्वार अलग अलग है, समस्या अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, तो दोनों के जो प्यार है रही वो बराबर रही। तो जैसे व्यंजन में लाडू है वैसे कहना चाहिए कि नता दिष्टा के अंतर्गत साढ़ू के में भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण होते। तो बच्चों यहाँ पर ये कहना चाह रही थी मैं कि मनोरंजन हो जाता है इस प्रकार से हाना सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते, कि कलेवे के अंतर्गत यानी कलेवा में व्यंजन में लड्डू महत्वपूर्ण होता है, ठीक रिश्ते नाते में साड़ू जो होता है वो अपने आप में एक मायने रखता है। तो इस प्रकार से मैंने विशेषता, महत्व, ये सारी चीजों को आपके सामने मैंने बता दी। अब हम कुछ हाना और देखते हैं कि किस किस तरह से होता है, ठीक है। तो हमन का देखें अभी विशेषता देख डरे नोकर महत्व देखें, कुल मिला का बात है कि हाना हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के सिंगार आए, ठीक है, जेकर ले भाषा में सुघड़ता, मिठास और प्रभाव बढ़ते। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में कतको हाना मुँह अखरा बगरे हवे जेन हमल बोलचाल के भाषा में बौरना है। क्या कहना चाह रहे हैं कि कुल मिलाकर के जो ये हमारी भाषा है, हमारी भाषा का ये श्रृंगार है, यानी सुंदर हो जाती है हमारी वाणी जो है, ठीक है, भाषा में हमारी मिठास होने लगता है और हमारा लोक साहित्य जो है वो इस हाना से भरा पूरा है। तो हमें इन हाना का इस्तेमाल हमारी वाणी में हमें करना चाहिए। तो हाना है यानी सिखावन है, आचार विचार नीति नियम सबों के दर्पण आए, कैसनो भी हाना होए वो हब कोनो ना कोनो घटना से जुड़े रहते। आखिर में काका थे कि जतका कन हाना जो बने हुए हैं ना वो सबो हाना में या तो कोझो में सीख मिले मिल ही तुम्हल, कोनो में हमल आचार व्यवहार ला बताया जाही, कोनो में नीति नियम ला बताया जाही, यानी कैसनो भी हो लेकिन कोई न कोई हाना है, कोई न कोई घटना से जुड़े रही और वो हमार जीवन ला जरूर प्रभावित करही, ठीक है। तो लैका हो अब देखन कुछ प्रकार भी देख लेथन, ठीक है।
अब हमन देखथन कि हाना कई प्रकार के होते, एक वहाँ बता दूँ तो तुम्हारा समझ में नहीं आई है ना, तो थोड़किन अलग अलग ढंग से बता देव पुस्तक में गला दे है। तो ठौर संबंधी हाना, ठौर संबंधी मतलब जगह संबंधी हाना। हर गांव शहर नगर ठौर के अपन विशेषता होते, ओकर अलगे चिन्हारी होते, वहाँ के रहन सहन के आधार में ओ ठौर के गुण अवगुण होते, वही गुण अवगुण के आधार में हाना के चलन देखे लग मिलते। क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक जगह में ये मतलब अलग अलग पहचान होती है, ठीक है, और वो जगह के कोई गुण भी हो ही, कोई अवगुण भी हो ही, ठीक है, तो वही गुण और अवगुण ल देख करके एक नेठन हाना वहाँ बन जाए। हिंदी में बताऊं क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी जगह हो, कोई भी स्थान हो, उस जगह की अपनी एक खासियत होती है, विशेषता होती है, महत्व होता है, और उन्हीं खासियत को देख करके हमारे बुजुर्गों ने किसी न किसी तरह से किसी वाक्य का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है, तो इसी आधार पर हाना का चलन बनता चला गया है। अभी में एक ठन उदाहरण ले देखथन, छुई खदान के बस्ती जय गोपाल के सस्ती। का होते कि छुई खदान के राजा रही बैरागी रहा वह, और वो बैरागी राजा कृष्ण भगवान के भगत रही, वहाँ के रहैया मन आज ले आपस में जय गोपाल कह के जोहार थे। कहे के मतलब जेन चीज जिहाँ ज्यादा होते वो हर सस्ती और प्रचलित हो जाते। का कहना चाहते बैरागी रहिस, रहिस मतलब रिहिस, ठीक है, वो है कृष्ण भगवान के भगत रिस, भगत मतलब भक्त, वहाँ के रहैया मन मतलब रहने वाला मन है आज भी आपस में जय गोपाल कह के जोहार थे। जोहारना मतलब जैसे हम कहते हैं ना नमस्कार प्रणाम ऐसा कहते हैं, वो है जोहारना, जय जोहार इसी की थे, ठीक है। तो एकर का मतलब हो इसकी जेन चीज जिहाँ ज्यादा होते वो सस्ता हो जाते, ठीक है, मतलब छुई खदान के राजा हा कृष्ण जी के भक्त रिसेगा तो जय गोपाल ऐसे करते है कादत रिसोई, पूजा पाठ करे तो जय गोपाल जय भगवान जय श्री कृष्ण ऐसे कहा रिसोई है ना, तो वो जो पूजा पाठ करे एक बेर कहा है ओला जब वो घर ले बाहर निकले तब हो जय गोपाल जैन दिखे, जय गोपाल जैन दिखती, जय गोपाल ऐसे कहा है वो जय जोहार के बदला जय गोपाल जय गोपाल। तो अब वहाँ के जब कर भाई अरे इन सब के सब बोल जय गोपाल कहाँ है, तो सबो जन के मुँह में का बस गए जय गोपाल, तो ओ दारी तो सब मन उसने बोले बोले अभी घला वहाँ गाँव के रोहैया मन है जय गोपाल ही की थे। तो एक हो गए कुल मिला करके जेन चीज है ज्यादा मिलते वो चीज है सस्ती हो जाते। बच्चों यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो चीजें अधिक मात्रा में मिलती है वो चीजें बहुत सस्ती हो जाती है, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, उसका महत्व खत्म हो जाता है, समझ रहे हो, बहुत गंभीर अर्थ यहां पर आ रहा है। जैसे देखो आप वकील को देखिएगा, वकील जो है बिना पैसे के सलाह नहीं देता, अगर वो सलाह देगा तो फिर एक तो उसको पैसा नहीं मिलेगा और आप उसकी सलाह को मानोगे नहीं, तो वो कीमत लेता है सलाह देने की। एक इंजीनियर आप बोलोगे मेरे घर में आके देख के चल दो मेरी खिड़की कहाँ रहने वाली है, वो एक बार आएगा और 5 रुपये लेके जाएगा, और अगर वो यूं ही आ गया और देख के चला गया तो आप मानोगे भी नहीं, जैसे बोलेगा खिड़की यहाँ रख लो बोले आ रही देख के गीस, ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाता है जब तक अहमियत पैदा नहीं करोगे बनाओगे नहीं तब तक बनती नहीं है, तो चीज़ें सस्ती नहीं होनी चाहिए ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और एक ठन देख लेथन, रात भर गाड़ी जोते कुकदा कुकदा का हो इस, एक ठन और भाठा नाम के मतलब करा एक ठन कुकदा नाम के गांव है, जिहाँ कोनो गाड़ी वाले है रात भर यानी रात कन गाड़ी जोतीस यानी गाड़ी फांदीस गा बैला गाड़ी, और गाड़ी है रात भर भाठा में घूमत रह गए। एकर अर्थ का है कि बिना सोचे समझे मेहनत करे ले फल नहीं मिले, मतलब एक जन आदमी है औरा भाटा कुकदा में रात में गाड़ी फांदी, अब गाड़ी फांदे के बाद अब चली भैया वह है ना, अब गाड़ी धर के लेकिन रात ले मुंधरहा हो गए, मुंधरहा मतलब पहा एक बार सुबह हो गए देखते वो उही भाठा में खड़े है, मतलब वही करे गोल गोल कर गाड़ी है जितिल जावा घूम फिर के वही करा जात रही से, तो रात पूरा पहा एक बाद एक के जगह रह गए। एला एक जन आदमी देखी तब इतने कह दी भैया रात भर गाड़ी फांदी और कुकदा कुकदा, लेकिन यहाँ पर आशय जो है वो अलग निकल रहा है। हाना ये लोकोक्ति का यही अर्थ होता है कि अर्थ को नहीं पकड़ करके हम किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, मतलब उसके भावार्थ को पकड़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ क्या अर्थ निकल रहा है कि यदि बिना सोचे समझे यदि उस गाड़ी वाले को ये नहीं पता था कि उसको जाना कहाँ है, उसने गाड़ी तो फांद ली लेकिन जाता किधर, तो वहीं वहीं भाटा में घूमता रह गया। तो यदि आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं, उद्देश्य तय नहीं करते हैं, तो आप भी एक ही जगह टिके रह जाएंगे और आपकी मेहनत यानी आपका परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा जैसे उस गाड़ी वाले का चला गया।
तो मानव जीवन में अगर उद्देश्य को पाना है तो आपको किसी उद्देश्य को निर्धारित करना आवश्यक है। अब देखते हैं हमारा खेती संबंधी आना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 80% मनखे मन गांव में रहते, यहाँ के प्रमुख काम खेती आए। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान क्षेत्र आए, एला धान के कटोरा घलो कहे जाते। छत्तीसगढ़ी हाना मा खेती किसानी के गोठा घलो समाहे। अब खेती किसानी संबंधी हाना भी होतेगा, अब होवेच करी। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कहुआते, छत्तीसगढ़ के दीप प्रसान्न देश है। तगा बनिहार मन हा या मालिक हा खेत में दिन और रात बैठे है, ता हाना तो बोलबे करही काम करत करत, है ना। तो 80% जनता हमार खेत में होते और हमार कामे प्रमुख है, तो नामे कर नाम लेके वो धान के कटोरा हो है। तो ये जो हाना हो सोही तो कैसे ढंग के हो सोही तेला देखथन के हमार कमिया मन है या मालिक है कैसे ढंग के हाना बने सोही देखन। चल तो देखथन एक ठन हाना ल महतारी के परसे और मघा के बरसे, ठीक। कितना बढ़िया दे रहे हैं। महतारी यानी माता के परसे, परसे यानी परसना, भोजन परसना। औ यानी और, मघा यानी मघा नक्षत्र है, ठीक है। बरसे, बरसे यानी बरसना, यानी जब महतारी है परसते भोजन ला, तब लइका मन हा अघावे नहीं, मतलब बहुत खाते, बाद में छकते अघाते, ठीक है, तृप्त होते। काबर माँ का मन घलो उसने ना महतारी मन का खवा दू लइका ले सीखी के, और ले खा ले खा ले सीखी के, वहू बड़ा जिद कर करके देतेगा, है ना। तब महतारी की दिल्लत को ले नहीं सके। तब महतारी जब परसते तो लइका हम मन के खाते अच्छा खासा, ओकर जीव है एकदम भर जथे अघा जथे। तो जैसे महतारी के परसे से मतलब कोई कमी नहीं करे, वही कोई दूसरा रिश्ता हुई तो उतका अच्छा जानही का नहीं जाने। काबर माँ अपन लइका जानते ना, ये का चीज ला पसंद करते, कतका कन ला खाते, वो जानबूझ के बोल देते। जैसे खाएल बैठा रहे करेला का साग बने, ले वो जानते कि एदे लइका मोर करेला नहीं खाए, एदे लइका टमाटर के चटनी खाते, तब वो टमाटर के चटनी दी तो लइका भर पेट खाई नहीं खाइए। और जो लइका हा करेला नहीं खावाए और ते बोल करेला दे देवे तो भर पेट खाई का नहीं खाए। लेकिन महतारी के अलावा कोई दूसरा परस दी तो वो लग नहीं पता ना लइका का खाते का नहीं खाए, तो वो का करही अधूरा पेट में उठ बेच करही। तो ये चीज ला यहाँ बताया गया है कि माँ और दूसर में बहुत अंतर होते। तो जैसे माँ परसते तो लइका पेट भर जाते, वैसे ही मघा नक्षत्र में जब पानी यानी सावन भादो अषाढ़ में जब पानी बरसते कहना चाहिए, तो खेत टिप टिप पले भर जाते। अस के पानी होते, अस के पानी होते, तुमन देखे हो लइका हो जिमें छाता वाता तो कामे नहीं आवा, टूट टाट के निकल जाते। समझ ले कई दिन तक लगातार बरसात चलते है, झरझर झरझर पानी गिरत रहते, तो खेत लबा लब नदी अन्यरवा लब्बा लब भर जाते तेला कथे अघाथे। तब मघा नक्षत्र के पानी जो होते ना वो में धरती है जुड़ा जाते। बच्चों यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि माँ जब खाना खिलाती है बच्चे को तो बच्चा जो है पूरी तरह से तृप्त हो जाता है और कुछ खाने की कामना उनके अंदर नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से मघा नक्षत्र में मतलब बारिश के मौसम में जब बरसात आप देखते हैं, बारिश होती है, तो उससे पृथ्वी जो है लबालब हो जाती है और जल से यहाँ से वहाँ पूरी दिखाई पड़ने लगती है, ठीक है। कोरे गांथे बेटी और निंदे कोड़े खेती, हम एक बार तुम्हारा बता डरे हैं कि जैसे लोग लेकर ला मतलब बेटी ला जब कोर गांथ के जब रखबे सुनना चिक्कन चांदून, तब बेटी बने सुंदर दिखते। वैसने ही जब खेत खाला सुंदर रखबे, इन्हें कान वान ला खोद खुदा के रखबे, जो कुछ और उग जा रहे थे धान के संग में तिला निकाल के मेड़ में रख देबे, तो का हो जाते माँ ओला फैले बार, यानी धान ला खेती जब करते ना लइका हो तो का थे जब बीज ला बोते धान निकलते तो धान में और कुछ को ही भी रही थे। अब करगा कथे जला, अब वो करगा भी हुई कर रही है धान भी हो रही, तो धान ला मोला फैले बार ना जगह नहीं मिला है, तो करगल जब ते निकाल देवे वो कर ले तो धान ला फैले बार जगह मिलते, ठीक है। तो एक तो में का है ओकर कुबज जो हो मतलब उपज जो हो वो बढ़ी। तब नींद कोड़ के जब खेती ले रखबे तब खेत बने सुघर दिखते, चंचल ने दिखते, केवल दिखे नहीं पैदावार है घला बाढ़ते। वैसने बेटी है बने सुंदर दिखत थे चिकन चांदूर, तो घर है घलो बने अच्छा लगते और भविष्य भी ओ लेका के उसने ढंग से होते। तो ये चीज ला एमा बताए गए है लेका हो, ठीक है। तो अतका अकन अभी हमन पढ़े हैं, अभी तो तुहर पाठ में अब बहुत अकन हावे पशु संबंधी है, ज्ञान संबंधी है, तो एके दिन सबोल पढ़ डरबो तो बड़ा मुश्किल हो जाही, तुम्हारा समझ में नहीं आही। अब एक दूसरा मिला डरहो हाना ला तब वो सबो गड़बड़ा जाही, है ना। तो हाना लोकोक्ति ला ऐसे करो, तुमन जतका अकन में भी पढ़ाए हो ना ते सबोला
एक एक ठन लिख डरो कापी में, एक एक ठन ल करके केवल हाना हाना ला, और हिंदी में उही ला कैसे ढंग के लोकोक्ति बनत हुई तेला खोज खोज के लिखाओ, और लिख के ना अपन गुरु जी ला बाद में दिखावा। ठीक है, तो आज मैं अतकी काम देता हूँ और बाद में हमने कर आगे वाला हिस्सा ला और पढ़ बोले कहो। ठीक है।